नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। वैश्य समाज उत्तर प्रदेश द्वारा तेजी से हो रहा कार्यकारिणी का गठन। रामपुर के होटल रेडियंस पार्क में वैश्य समाज उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें रविवार को नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुमित अग्रवाल, महिला जिला अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंघल, मंडल अध्यक्ष अलका जैन आदि ने शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय केसरी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता रही। इस दौरान वैश्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि वैश्य समाज के प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी का कहना है कि वैश्य समाज या किसी व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में रामपुर के सम्मानित वैश्य समाज के भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भाजपा के जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता की उपस्थिति के साथ कार्यक्रम में सुंदर आयोजन सुमित अग्रवाल द्वारा किया गया। समाज रामपुर में काशी की धरती से आए माननीय मंत्री जी के सहयोगी वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष भाई अजय केसरी जी के लिए जोरदार ताली है। हमारे रामपुर की शान, हमारे वैश्य समाज की शान, और भी शायद पता नहीं कौन कौन सी शान है। ऐसे मेरे बड़े भाई भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, गोपाल गुप्ता जी और वैश्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंघल जी, मंडल अध्यक्ष अलका जैन जी, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी और जिनके लिए सब लोग आमंत्रित हुए, ऐसे हमारे वैश्य श्रोमणि जो वैश्य समाज को एक नया रूप देंगे। फिर से उन्हें दोबारा माननीय मंत्री ने अध्यक्ष के नियुक्त किया। ऐसे मेरे भाई मेरे साथी सुमित अग्रवाल जी के लिए खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत। सुमित भाई के लिए तालियां। ये वैश्य समाज का शान है और इनके लिए ताक माना गया है। सभी रामपुर से आए वैश्य समाज के भाई मेरी बहने, सबको अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से, अपने समाज के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सबकी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, बहुत सुंदर करके आयोजन आपका, जैसे एक माला में मोती की तरह आपने ये पोया है। मैं सुमित जी को बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि समाज एकजुट होना चाहिए। आप अपने समाज की ताकत देखिए। आप ये मत देखिए कोई बिंदल है, कोई जिंदल है, कोई गुप्ता है, कोई गर्ग है, कोई रस्तोग है, कोई जैन है। सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाइए और जैसे हमारा एक लोगो है एक मुट्ठी की तरह, सब लोग एकत्रित रहिए और अपनी ताकत दिखाइए। तब आपकी ताकत का एहसास होगा, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और रामपुर के लिए एक गौरव का विषय और है, विधानसभा का चुनाव भी आपका उपचुनाव होगा। मेरी दिल से ये इच्छा है कि वो विधायक मेरे वैश्य समाज का होना चाहिए रामपुर में। जहां तक मुझसे प्रयास होगा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रयास होगा, माननीय मंत्री जी से, नंदी भैया से जितना प्रयास होगा, बेस्ट। जिसको सरकार के मदद की आवश्यकता, ऐसा चिंतन करके उन्होंने वैश्य समाज उत्तर प्रदेश का गठन का कार्य किया। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से बात हो रही थी, अभय जी से।